सात सहेलियों की कब्रें, जो मुगल आसिफ जो है उसकी सात सहेलियां थी, मुगल बादशाह का मुसाइब, मुगल मसाइब जो उनके मसाइब, गवर्नर या ठीक है, ऑफिसर्स उनका वगैरह होते हैं जो जहाँ गवर्नर था जी, उनका कोई अपना हेड था इस इलाके का, तो ये उसकी सात सहेलियों का ये यहाँ पे। लेकिन कब्रें तो काफ़ी हैं, तो सहेलियों की बच्चियाँ सच्चियाँ भी हों, बच्चे बुच्चे हों, रिश्तेदार हों, तो ये दरिया सिंध का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। और ये दो ब्रिज हैं, रेड एंड वाइट, वाइट कलर का जो ब्रिज है ये ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके साथ जो है वो आम जनरल पब्लिक के लिए जो है वो ट्रैफिक के लिए आने जाने के लिए। तो शाम के वक्त यहाँ नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी तो टम्परेचर जो है वो 50 के राउंड अबाउट है इस वक्त सखर में, तो यहाँ पे खड़ा होना जो है काफ़ी मुश्किल है। अभी शमसी साहब ने काफ़ी हिस्ट्री बताई है सारे एरिया की, और शहजाद साहब भी साथ ही हैं, आसिफ भी साथ हैं। तो जैसा कि शमसी साहब ने बताया कि ये जो है वो ये काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, और यहाँ पे जो सबसे पहले जब यहाँ पे हमला हुआ और यहाँ पे आए मुसलमान, तो वो कौन से बादशाह थे जी? से मुकाबला हुआ था ना अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन का। कासिम जो है वो आए थे, जब ये दरियाए सिंध के ज़रिए आए थे, तो ये इसी दरिया से एंट्रेंस हुई थी राजर को, उन्होंने फिर जो है वो तारीख में बड़ा वाज है जी की शिकस्त दी, और फिर यहाँ पे इस्लामी हुकूमत जो है वो कायम की, ठीक है जी। और ये सारा आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान, और ये इलाके का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से किरोड़ी इस। शहर है, हाँ जी, ये रोड़ी एक इस साइड पे रोड़ी है, और उस साइड पे जितनी वो दूसरी सखर बिल्डिंग है, नजर आ रही है वो सखर। यानी कि ये हमारे इस लेफ्ट साइड पे ये सखर है, और राइट साइड पे ये जो है रोड़ी शहर है, ठीक है। उस सिटीज़ जो एक्चुअली इनको डिवाइड करता है वो ये दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध के एक तरफ जो है वो आप देख रोड़ी शहर है, और दूसरी तरफ सखर है, और ये ब्रिज का नज़ारा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं जनाब, काफ़ी गर्मी है, और यहाँ की जो एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पे डेट्स खजूरें होती हैं इनकी, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो इनका डिस्ट्रिक्ट है शिकारपुर, तो उसका फिर अचार पूरी दुनिया में जाता है जना, ठीक है जी। बल्कि लेकिन वो हमें टेस्ट नहीं मिला। शिकारपुर शहर में अगर उसका कोई आउटलेट है अच्छा, वो सखर से दिलाएंगे अच्छा। सखर में शिकारपुर के आउटलेट बने हुए हैं जी, तो आज हम जाते हुए वहाँ से शिकारपुर का अचार भी लेके जाएंगे, और स्पेशली अभी सुबह सुबह पराठे के साथ अचार और लस्सी की तो चस ही ला गया, उस चस को ले फिर अचार भी लेना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो रास्ता भूल गए हैं थोड़ा सा, हम इधर से आगे आ गए हैं, अब वो पीछे वापस चलते हैं। और ये रोड़ी शहर की आबादी काफ़ी है जो आप देख सकते हैं, और शमसी साहब जो है फुल 25 साल के नौजवान की तरह कैट करते हुए, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना। इस वक्त तो तस्वीरें बिगड़ी बस जैसी। अब हमने जाना किधर है? चल साईं के पास, चलिए इसी तस्वीर बनानी है। हाँ ना, बना लेते ना, चलें आ जाएंगे, तस्वीर वो भी तो पुलिस के साथ के। लो जी शमसी साहब, आप शमसी साहब अपने जवानी के दौर में बड़े अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो फॉर क्रिकेट है के, तो ये ओपनिंग बैटिंग के तौर पे जाने जाते हैं जनाब, कीपर थे और कीपिंग भी करते थे। ये उस वक़्त जो जवानी में ज़्यादा टांगे यूज़ किए हैं, तो देखें अभी था कि थोड़ी कट टंगा इस्तेमाल करो यार, कम भागा करें। लेकिन ये एथलीट जितने भी होते हैं उनके साथ ये इशू, जब वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो फिर वेट गेन कर लेते हैं।
तो लेकिन जो है जो हिस्ट्री के ऊपर कमांड है शमसी साहब की बहुत ही अलग है। यहाँ से गर्मी में पसीने पसीने। अच्छा जी, एक बार फिर आपको फाइनल से व्यू दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लेंगे, फिर हम वापसी का सफ़र करेंगे। और शहजाद साहब इधर ही स्टे करेंगे, शमसी साहब भी इधर ही हैं। मैं फिर इंशाल्लाह आगे ट्रैवल करूँगा मुल्तान और फिर फैसलाबाद की तरफ। तो व्यूअर्स, आपको जहाँ भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं छोटी छोटी वीडियोस बना के उस एरियाज की हिस्ट्री और कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसका विज़िट करवाया करें। और ये सीन है जनाब, देखें ये नज़ारा आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलने वाला। दो ब्रिज एक साथ, दोनों जो हैं वो टोटली आयरन मेड हैं, ठीक है जी। यहाँ के बच्चे जो इस दरिया के किनारे गर्मी को कम करते रहते हैं, नहाते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं। तो अभी जनाब आपसे इजाज़त लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर करें और अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें जी कि वीडियो कैसे लगी। और ये आपको आखिर में ये दिखा देते हैं जनाब, ये देखें कैसे रॉड्स जो हैं वो, ये तारे जो हैं वो इस ब्रिज के साथ इसको होल्ड किए हुए हैं, बैलेंस को। लो जी।